साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश पोएट्री में फ्रॉम एन एलजी ब्रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड की आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया की शुरुआत की लाइन में हम लोग पोयम का नाम लिखते हैं और उसे कंपोज किसने किया है लिखते हैं। तो द नेम ऑफ द पोयम इज फ्रॉम एन एलजी ब्रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड इज कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया है? थॉमस ग्रे के द्वारा किया गया है। फ्रॉम एन एलजी ब्रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड जो पोयम है इसे थॉमस ग्रे के द्वारा कंपोज किया गया है। इन दिस पोयम, इस पोयम में पोएट थॉमस ग्रे जो हैं सेज कहते हैं दैट की डेथ इज अनअवॉइडेबल एंड ऑफ एवरीवन। डेथ मीन्स होता है मृत्यु, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मीन्स क्या होता है निश्चित, एंड मतलब होता है अंत, ऑफ एवरीवन प्रत्येक का, तो सभी का जो अंत है मृत्यु वो क्या है निश्चित है। पुअर पीपल जो गरीब लोग हैं, ऑफ द स्मॉल विलेज छोटे से गांव के जो गरीब लोग हैं आर लेइंग इन देयर ग्रेव्स, ग्रेव्स मीन्स क्या होता है कब्र, गांव के जो गरीब लोग हैं वो अपनी कब्र में लेटे हुए हैं। दे डिड यूजफुल वर्क, उन्होंने यूजफुल मतलब लाभकारी कार्य किए हैं, उपयोगी कार्य किए हैं। ग्रेट एंड एम्बिशन, ग्रेट मीन्स होता है महान और एम्बिशन मीन्स होता है मेहनती, तो ग्रेट एंड एम्बिशन जो महान और मेहनती लोग हैं शुड नॉट लुक, उन्हें नहीं देखना चाहिए, लुक मीन्स देखना, शुड नॉट लुक उन्हें नहीं देखना चाहिए डाउन अपॉन देम, डाउन अपॉन देम मीन्स होता है झुकी हुई नज़रों से। तो जो मेहनती और महान लोग हैं उन्हें गांव के छोटे और गरीब लोगों को घृणा की नज़रों से, झुकी हुई नज़रों से नहीं देखना चाहिए। दे टू विल डाई वन डे, दे मतलब वे लोग भी जो महान और मेहनती लोग हैं वे भी विल डाई वन डे, एक दिन डाई मर जाएंगे, वे भी एक दिन मर जाएंगे। लास्ट में हम लोग लिखते हैं डेथ इज द एंड ऑफ ऑल ग्रेटनेस ब्यूटी एंड वेल्थ, जो महानता है सुंदरता है और जो धन है इसका अंत, इंड इसका अंत जो है मृत्यु है। महानता सुंदरता और धन का अंत क्या है हमारा, वो मृत्यु है। चलिए फ्रॉम एन एलजी ब्रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड की पोएट्री ग्रेस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द मेन फोकस ऑफ द पोएट, जो पोएट है इनका मेन फोकस था अबाउट डाई पर्सन, जो मरे हुए लोग हैं इनके विषय में उसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा पोएट यूजेज, पोएट ने क्या यूज़ किया है पर्सानिफिकेशन, पर्सानिफिकेशन मीन्स होता है हमारा मानवीयकरण होता है, क्या होता है मानवीयकरण, यानी फिगर ऑफ स्पीच जो हमारा अलंकार यहाँ यूज किया गया है वो है मानवीयकरण, पर्सानिफिकेशन। इन द लाइन, किस लाइन में है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल ट्वेल, तो जो ये हमारी लाइन है इसमें हमारा पर्सानिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है पर्सानिफिकेशन, मानवीयकरण यूज किया गया है। तो ये जो लाइंस हैं हिंट्स के रूप में कई बार पेपर में पूछी जाती हैं, इनका हमें रेफरेंस कंस्ट्रक्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, यानी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी होती है। तो चलिए देखते हैं इसका रेफरेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं। पोयम का हमें हिंट्स दिया रहता है और हमें उसका रेफरेंस और कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो रेफरेंस देखते हैं, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, तो ये जो सुंदर लाइनें हैं किस पोयम से ली गई हैं फ्रॉम एन एलजी ब्रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। उसके बाद हम लोग पोएट का नाम लिखते हैं कंपोज्ड बाई मोस्ट लर्न पोएट ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश पोएट थे थॉमस ग्रे, किसके द्वारा कंपोज किया गया है थॉमस ग्रे। तो आप लोगों को फ्रॉम एन एलजी ब्रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड की सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।